6 ore हैं। अच्छा हुआ मैंने कल ट्रेन टिकट बुक नहीं की, 7:30 भी करता तो मुझे लग नहीं रहा मैं वो पकड़ पाऊंगा। अभी भी ऐसी नींद पूरी हुई नहीं है, मैं अभी 3-4 घंटे और सो सकता हूँ। अभी आराम से चाय वाय बनाऊंगा, जब स्टेशन पहुंचेंगे तब की टिकट बुक करेंगे। इलायची खत्म हो गई, मुझे लानी पड़ेंगी। और अभी एग्जैक्ट 8:15 हो रहे हैं और मुझे 8:34 की ट्रेन पकड़नी है। साइकिल इधर खड़ी कर दी। जनरली तो मुझे यहाँ जगह नहीं मिलती है शेड के नीचे, क्योंकि एक तो मैं लेट हो रहा होता हूँ, ऊपर से वीकडे होता है। वैसे कहीं आगे भी लगा सकता था पर मैंने सोचा इधर थोड़ा ज्यादा सही है, आज रात ना भी आया तो भी यहाँ थोड़ी ज्यादा सेफ है। वैसे यहाँ पे साइकिल ट्रेन में लेके भी जाते हैं लोग, पर मैं जानबूझ के नहीं ले जा रहा। 3 दिन तक मैं वहाँ बसेस मेट्रो वगैरह सब यूज कर सकता हूँ, बजाय कि साइकिल को हैंडल करने के मैं सिर्फ इधर उधर घूमूंगा। अभी अपने पास बचे हैं 10 मिनट, अगर मुझे लगा ट्रेन पकड़ने के वक्त तक मैं पहुंच जाऊंगा तो मैं टिकट बुक कर दूंगा। ये ऐसे कहीं भी साइकिल लगा देते हैं लोग जहां स्टैंड नजर आ जाए, स्टैंड बोले तो ऐसे बांधने की जगह। ये मेरे साथ इंडिया वाला सीन हो गया है, क्योंकि मुझे रास्ते पता लग गए हैं, थोड़ा सा सिस्टम से कंफर्टेबल हो गया हूँ, मैं एग्जैक्ट टाइम पे निकलता हूँ। इधर भी इधर लोग छोटे छोटे कुत्तों का शौक है, चुटकू चुटकू से कुत्ते लेके घूम रहे होते हैं, ज्यादा तो घुंघरू बाल वाले। ये वो होटल है जहाँ मैं पहले दिन रुका था, सामने स्टेशन है, ट्रेन भी नजर आ रही है। टिकट परचेज्ड, मैं ट्रेन के अंदर भी आ गया। थोड़ी सी दिक्कत ये हुई कि ऑनलाइन नहीं मिली टिकट, ऐप से मेरा कार्ड फिर से एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मैं एक कंफर्टेबल सी सीट चाह रहा था, एकदम एकांत है इस डब्बे में। ये तो भाई सेकंड क्लास है, इसमें फर्स्ट क्लास है ही नहीं, पर मुझे लग रहा है कि जरूरत भी क्या है यार, ये भी फर्स्ट क्लास के बराबर ही लग रहा है मुझे तो, इससे बेटर और क्या होगा। स्लीपर तो आई थिंक होता नहीं है इसमें। लास्ट टाइम जब मैं आया था फर्स्ट क्लास में आया था, क्योंकि सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास में इतना डिफरेंस नहीं था और मैं देखना चाहता था कि फर्स्ट क्लास कैसा है यहाँ का। इनकी जो SJ ट्रेन है आई थिंक वो गवर्नमेंट ट्रेन है, उसके प्राइस में, और ये दूसरे ऑपरेटर की ट्रेन है, आई डोंट नो किस ऑपरेटर की है, अगर ये ऑपरेटर का नाम है तो मे बी इस ऑपरेटर की होगी। तो जो दूसरे ऑपरेटर की ट्रेन है उनकी टिकट काफी सस्ती है, ऑलमोस्ट हाफ प्राइस है। हालांकि सस्ती ये भी नहीं है, इंडिया से कंपेयर करेंगे तो अराउंड 1800 रुपए की 2 घंटे की जर्नी। इंडिया में कितना 20-30 रुपया लगता है पैसेंजर ट्रेन में। SJ वाली ट्रेन है वो डबल प्राइस है, मतलब इसका भी। सबसे पहला काम तो फोन चार्जिंग पे लगाते हैं, चार्जिंग बहुत जरूरी है आज मेरे लिए। मुझे स्वीडन वालों से शिकायत इतनी ही है, मतलब वैसे तो बहुत सारी हैं, खाना सस्ता करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ता करो, लेकिन ये मेजर शिकायत है, बाहर के कार्ड्स नहीं चलते इनकी ऐप में, बाहर के क्रेडिट कार्ड्स, बैंक कार्ड्स। मेरा तो नहीं चल रहा, ICICI नहीं चल रहा, पता नहीं क्या चक्कर है, वो मुझे मशीन से परचेज करनी पड़ी। कोई बाहर से आएगा तो कैसे यूज करेगा वो, बाबा रे इतनी बड़ी नदी है, लेक है, पता नहीं क्या है, पर बहुत ही विशालकाय है। खैर मैं बस पहुंचते पहुंचते पहुंच ही गया, मुझे लगा नहीं था मैं ट्रेन ये पकड़ पाऊंगा। इसके बाद जो 4 मिनट लेट थी उसका पहुंचने का टाइम बहुत ज्यादा था, आई डोंट नो मे बी वो रुक रुक के जाएगी इसके, तो मुझे बीच में 3 ही स्टॉप दिखा रहा है, तो ये बस भागते भागते पकड़ ली मैंने। यहाँ का सिस्टम मुझे बिल्कुल ही ना पता होता तो मैं नहीं पकड़ पाता, टिकट कैसे परचेज करनी है, कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, प्लेटफॉर्म इस पे टिकट पे लिखा नहीं हुआ था, जनरली तो मैंने देखा है टिकट पे पता लग जाता है। अभी मुझे लग रहा है कि स्वीडिश लैंग्वेज के लिए मेरे कान अभ्यस्त हो गए हैं। मैं समझ पा रहा था कि ये कहना चाह रही है स्टॉकहोम की ट्रेन जो है खड़ी है। अभी भी जाके मुझे पता नहीं कि मैं करने क्या वाला हूँ वहाँ पे, वहां जाकर डिसाइड करूंगा कि मुझे कहाँ जाना है, जो मैंने चीजें बुक की हुई है वो तो मुझे करनी ही है। 3 बजे एक ऑर्केस्ट्रा है वहाँ, फ्री में एंट्री है, मैं सोच रहा हूँ एक बार देखूँ तो सही, क्या पता बीच में निकल जाऊँ, पता नहीं बीच में निकलने वाला होता है या नहीं होता है यहाँ पे। म्यूजिक से कनेक्ट बहुत कम कर पाता हूँ। स्वीडिश फ्लाइट की तरह अनाउंसमेंट करते रहते हैं यहाँ पे ड्राइवर, और घंटा समझ में नहीं आ रहा, अंग्रेजी में बोलते नहीं है, पता नहीं क्या बता रहा है, मौसम अच्छा है ये सब बोल रहा है क्या यार, टर्बुलेंस होने वाला है आगे, ट्रेन उछलने वाली है। तो मैं क्या कह रहा था, बाहर का म्यूजिक बहुत डिफिकल्ट होता है, समझ में तो आता नहीं है, और म्यूजिक भी कैची सा ना हो। इंडिया में भी बहुत ही रॉ टाइप जो म्यूजिक होते हैं, पंजाबी हरियाणवी टाइप के, उससे फिर भी मैं कनेक्ट कर जाता हूँ। हिंदी बहुत कम है ऐसा, सच कह रहा है दीवाना, वैसे टाइप के जिन्हें थोड़ा सा सुनने का मन करता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सेम ही ट्रेन के यहाँ पर कई नंबर हैं, या फिर ये बता रहे हैं कि इस स्टेशन पर उतर करके वो ट्रेन पकड़ सकते हो, आई डोंट नो स्क्रीन का क्या मतलब है। स्पीड भी बता रहे हैं 110 किलोमीटर पर आर पे जा रही है, खैर मुझे इतना इंटरेस्ट है नहीं उस चीज में, और कर लो ऑटोमेशन। ये दरवाजा अटक ही गया बीच में, भाई साहब बैठे बैठे ऐसी नींद आ रही है मुझे,
अभी 2 स्टेशन और बचे हैं। एक्चुअली सवेरे उठने वाला आदमी हुई नहीं मैं, वो भी इतनी जल्दी 6 बजे। भाई साहब बस यही अच्छी चीज है यहाँ पे, मतलब वैसे तो कई अच्छी चीजें हैं पर ये काफी अच्छी चीज है। पेड़ ही पेड़, ग्रीनरी ही ग्रीनरी, ठंडे ठंडे से पेड़। इंडिया में ज्यादातर कीकड़ नजर आता है, थोड़े पहाड़ी पेड़ जैसे हैं, जैसे कश्मीर साइड पे आई थिंक। इलाका भी ठंडा है तो ऐसे ही नजर आएंगे। तो ये आ गया इनका सदर बाजार। गया फरीदाबाद, अगला आएगा दिल्ली, बोले तो स्टॉकहोम। यहाँ एक वॉशरूम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी हो इनकी। स्टेशन के हमारे तो इतने अच्छे नहीं होते हैं, तो यहाँ होगा या नहीं होगा, और होगा तो कैसा होगा। नई दिल्ली जैसा ही स्टेशन है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म वाला, जिसमें एक नए आदमी को पता ना लगेगी कहाँ से एग्जिट लेना है। पर जहाँ दुनिया जा रही है जनरली एग्जिट वहीं से होता है। तो मैं जैसा कि नॉर्मल जिंदगी में करता हूँ, बस फ्लो के साथ बहते चलो, कहीं ना कहीं पहुँच ही जाओगे। तो ये मोस्ट प्रोबेबली टॉयलेट लिखा है इस तरफ। अरे यार लाइन लगी है यहाँ, क्योंकि वहाँ लाइन लगी थी और क्योंकि लोग पे करके टॉयलेट यूज कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि छोड़ो, जो चीज़ फ्री में हो सकती है उसके लिए मैं लाइन में खड़ा हूँ और फिर पैसे दूँ, इससे बेटर तो मैं कोई जिम ढूंढ लूंगा, वहाँ यूज कर लूंगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का तो नहीं, पर इस तरह के एग्जिट मिल जाते हैं दिल्ली में। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जगह जगह पे पान नहीं थूका हुआ, बाकी कंस्ट्रक्शन तो सेम सी ही है। बाहर निकलते ही मुझे दिखा पिज्जा हट। पिज्जा हट तो है खैर स्वीडन में, डोमिनोज नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। ओहो इधर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी है, हर जगह पे ही होता है मुझे लग रहा है ये भी। एक और जाना पहचाना ब्रांड रेडिसन ब्लू, मैकडॉनल्ड्स। पास में ये जिम था, मैं उधर जा रहा था वॉशरूम यूज करना, पर फिर मुझे ये मॉल जैसी चीज दिख गई। भाई बेसमेंट तक दुकान ही दुकान है यहाँ पे, वॉशरूम बनाया ही नहीं है कहीं पे, फिर जाते नहीं है क्या लोग। इज देयर एनी वॉशरूम इनसाइड? आई डोंट नो। ओके Is there any washroom inside? Like a bathroom? Yeah. It's on floor 2, so you have to floor go up. 2. Yeah. This exactly. Is which one? 0? This is minus 1? Minus 1, so okay. You have to 3 escalators. Sure. Yeah. Thanks. Okay. चलो वॉशरूम का एड्रेस तो पता लगा। मैं आई थिंक अरे देख तो इधर एस्केलेटर का स्टाइल भी तो उल्टा है ना, पता नहीं किधर से चढ़ती हैं किधर से उतरती हैं। हाँ मैं आई थिंक फर्स्ट तक ढूंढ आया था, इन्होंने बोला सेकंड पे है। हमारे वहाँ नहीं, हमारे वहाँ भी हर फ्लोर पे तो शायद नहीं होता है। हाउ डू वी यूज? हाउ मच डू वी हैव टू पे? 10 फॉर यूजिंग द वॉशरूम। ओके एनीवे आई कैन गेट इट फॉर फ्री देन। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग एक्चुअली सच अ थिंग, बिकॉज इन इंडिया इट्स फॉर फ्री। 100 रुपये में भैया मैं दिल्ली से रोहतक के कई चक्कर मार दूं। मुझे नहीं लगता कि वैसे ऐसा होगा कि हर जगह पे ही पेड होगा, पर अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे मैंने अपने 5-10 मिनट खराब किए वहाँ पर पेड था। इधर थोड़ी सी डेंसिटी ज्यादा है नॉर्थ शॉपिंग से, थोड़े लोग ज्यादा हैं, पर उतने भी नहीं है जितने हमें दिल्ली में नजर आते हैं या फिर बैंगलोर में या फिर इंडिया में इन जनरल। ये यहाँ की ट्राम, ये तो मैं यूज कर सकता हूँ, करनी है या नहीं वो बात है। ये आ गया अपना एनी टाइम फिटनेस। चलो यहाँ एटलीस्ट मेरे पास एक्सेस है कुछ दिन के लिए। तो downstairs. Okay. Do you have the card? Yes. You can put it here and it's gonna activate. You can use the lockers. Yes, perfect. This is the access? Yes, and then just downstairs. Okay, thank you. वॉशरूम यूज कर लिया, कल तुम्हें 100 रुपये मांग रहे थे, इस चीज़ के 100 रुपये थोड़ी दिए जाते हैं भाई। एक मांगते ना, मतलब यहाँ के करेंसी में एक जो बनता मेरा 8-10 रुपये, तो भी मैं चलो मान लेते ठीक है। मुझे कुछ भी वॉशरूम या इवन फोन चार्ज करना होगा तो
बस इस जिम की ब्रांच ढूंढनी और घुस जाना है वहाँ पे। अभी मैं पहले सोच रहा हूँ कि जो नमस्ते स्टॉकहोम एक इवेंट है यहाँ पर, कुछ तो इंडिया स्वीडन का कल्चरल एक्सचेंज वगैरह पूरे दिन का इवेंट है और आज ही है वो, तो मैं सोच रहा हूँ पहले मैं एक बार वहाँ जाकर देखता हूँ, क्योंकि बाकी चीजें तो इवन मैं कल भी देख सकता हूँ। नो डाउट मैं पूरे दिन नहीं रुकूंगा, पर जाकर देखूँ तो सही कि हो क्या रहा है उधर, पर मुझे पहले देखना पड़ेगा कि वहाँ पहुँचूँ कैसे।